करनाल के कांग्रेसियों में इस बार पूरा उत्साह है क्योंकि इस विधानसभा चुनाव को वो अवसर के रूप में देख रहे हैं। पार्टी की प्रत्याशी सुमिता सिंह ने करनाल का दिल कहे जाने वाले रामनगर में कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद बाजार में वोट की अपील की। गौरतलब है कि करनाल में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है। 10 साल तक सीएम सिटी रहे करनाल में ये विधानसभा का पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेसियों के हौसले बुलंद दिख रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये अवसर है जिसमें पार्टी की सत्ता में वापसी हो सकती है। करनाल के जिस रामनगर से 10 साल तक प्रदेश की सरकार चली, आज उसी जगह पर कांग्रेस ने अपनी पहली वर्कर्स मीटिंग की और मिलकर चुनाव लड़ने का संकल्प लिया कि लोग अब कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं और टिकटार्थी रहे नेताओं में अब जबरदस्त उत्साह दिखा। करनाल में बहुत सारे मुद्दे हैं। करनाल के अंदर जैसे सड़कों का सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ऐसे कई मुद्दे हैं करनाल शहर के अंदर जो बीजेपी की सरकार में उन्होंने कोई भी मुद्दा, कोई भी ऐसा काम नहीं किया, कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। देखा जाए तो आज सड़कों के हालात इतने बुरे हैं, देखा जाए तो आज बेरोजगार लोग इतने हैं, आज लोग युवा लोग इतने पलायन कर रहे हैं विदेशों के अंदर, तो ये सब बेरोजगारी के कारण है कि यहाँ कोई भी रोजगार नहीं है। हमने अपना किल्ला जमीन घर गिरवी बेच कर रख के हम बाहर गए हैं। आज मेरा एक्सीडेंट हो गया है कि मेरे घर मतलब जो जो लेनदार आदमी हैं वो मेरा घर खाली करवा रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ? वहाँ इंडिया में बेरोजगार नहीं है। तो राहुल गांधी ने उसे आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे घर पता लेने जाऊंगा। अगर हमारी सरकार आती है 2 करोड़ युवाओं को सालाना नौकरी दी जाएगी। कहने को तो करनाल स्मार्ट सिटी था, बट वहाँ पे धरना और प्रदर्शन के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। धरना सिटी, प्रदर्शन सिटी, ये कुछ रह गए। निश्चित तौर पर सीएम साहब का जैसे कोई भी उनकी डिमांड होती थी तो यहाँ प्रदर्शन होता था, उनका घेराव होता था। वर्कर्स मीटिंग में कांग्रेस की उम्मीदवार सुमिता सिंह ने कांग्रेस सरकार आने पर कई तरह की रियायतें और वायदे पूरे करने का भरोसा दिया। इनका 10 साल का संघर्ष कैसा रहा? सीएम सिटी तो मिल गई, किंतु करनाल के अंदर कोई विकास नहीं हुआ, कोई उद्योग नहीं आया, कोई काम नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी के नाम पर मैं तो सबसे पूछती हूँ, इतने हजार करोड़ कई पैसे आए हर साल स्मार्ट सिटी के नाम पर, कहीं घर के आगे पीछे, मैंने तो सबको पूछा कि क्या आपको अपने घर के बाहर स्मार्ट सिटी नजर आती है? किसी को पूछा घर के पीछे स्मार्ट सिटी, तो हमें तो कोई स्मार्ट सिटी नजर नहीं आती है। पता नहीं वो पैसे कहाँ गए। ऐसा है, इस समय तो कांग्रेस के पक्ष में 80% लोग करनाल शहर के और जिस इलाके में आप खड़े हो इसको रामनगर कहते हैं, ये कांग्रेस पार्टी का हार्ट है इस शहर के हिसाब से, तो यहाँ यहीं से हार जीत तय होती है और यहाँ पे हमें बहुत ही भारी समर्थन मिल रहा है और हमें लगता है कि हम यह सीट कम से कम 30-40 हजार के मार्जिन से जीतेंगे। गौरतलब है कि 10 साल तक सीएम सिटी रहे करनाल में मुकाबला अब बीजेपी और कांग्रेस में है। एक तरफ हैट्रिक की हुंकार तो दूसरी ओर सत्ता का सूखा खत्म करने का उत्साह। फैसला अब उस जनता को करना है जो अब चुनाव तक जनार्दन है। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, करनाल। बहुत बहुत धन्यवाद जी।